समाज को एकजुट करने एवं जातिवाद एवं ऊंच नीच का भेदभाव आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संदेश देने वाले महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रविवार को देश भर में समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में धर्मनगरी वृंदावन में भी सामाजिक समरसता विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। महापौर डॉक्टर मुकेश आरोवंदु की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विप्र एवं बजरंग दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ ही संत जनों ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम में जहां मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री मनोज कुमार, पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश गौतम सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा पटका उड़ाकर स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि सहित अन्य वक्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। साथ ही सभी से महर्षि के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेते हुए सामाजिक एकता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। जी बताइए, क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे देश भर में सामाजिक समरसता का पूज्य वाल्मीकि जी महाराज का प्राकृतोत्सव जो मनता है उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है। क्या क्या आयोजन हो रहे हैं? आयोजन तो मुख्य रूप से सामाजिक समरसता का है, जो समाज में भेदभाव हैं वो सब खत्म हो, और इसीलिए संगठन ने ये तय किया ऊपर से कि पूरे देश में हर नगर में हर शहर में इस सामाजिक समरसता के वाल्मीकि जयंती के उत्सव मनाए जाएं, जिससे समाज में संदेश जाए कि हम सब लोग एक हैं, सब हिंदू एक हैं। अगला कार्यक्रम कहाँ पे होना? मुख्य अतिथि हमारे मनोज वर्मा जी हैं, जो क्षेत्र संगठन मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, और अध्यक्षता हमारे जो महापौर हैं मथुरा वृंदावन मुकेश आर्यवंधु जी उन्होंने की है, और मंच पर अपने श्रीमान राघवेंद्र जी जो क्षेत्र के विशेष संपर्क प्रमुख हैं, और पूज्य संत हैं नवलगिरी जी रामदास जी महाराज, और मुकेश जी हैं पूर्व चेयरमैन वृंदावन, ये सब लोग हैं। बाकी पूरे ज़िले से आए हुए अपने दायित्वान विश्व हिंदू परिषद भजन दल के कार्यकर्ता हैं।